मारुति सुजुकी ने रिसेंट में ऑटो एक्सपो में उनकी एक न्यू सब 4 मीटर SUV लॉन्च कर दी है, जो मारुति सुजुकी फ्रॉक्स के नाम से लॉन्च होगी। एंड ये सब 4 मीटर कैटेगरी की कॉम्पैक्ट SUV है। एंड इस कैटेगरी में बेस्ट सेलिंग SUV टाटा नेक्सन है। तो चलिए मारुति सुजुकी फ्रॉक्स को टाटा नेक्सन से कम्पेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेस्ट है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। नेक्सॉन की लेंथ 3993 मिलीमीटर है, जहां पे फ्रॉक्स की लेंथ 3995 मिलीमीटर है। नेक्सॉन की विड्थ 1811 मिलीमीटर है, जहां पे फ्रॉक्स की विड्थ 1765 मिलीमीटर है। नेक्सॉन की हाइट 1606 मिलीमीटर है, जहां पे फ्रॉक्स की हाइट 1550 मिलीमीटर है। नेक्सॉन में आपको 2498 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे फ्रॉक्स में आपको 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का बोट स्पेस मिलता है, जहां पे फ्रॉक्स में आपको 308 लीटर का बोट स्पेस मिलता है। सो लेंथ में दोनों कार्स ऑलमोस्ट सेम है, बट विथ हाइट एंड बोट स्पेस में नेक्सॉन बेटर है मारुति सुजुकी फ्रॉक्स से। बट हाँ, व्हील बेस में फ्रॉक्स बेटर है, बट ओवरऑल ज्यादा विथ एंड हाइट के कारण नेक्सॉन में 5 लोग ज्यादा कम्फर्टेबली बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं इंजन की। नेक्सॉन में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जिसमें पेट्रोल इंजन से 118 bhp का पावर एंड 170 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे डीजल इंजन से 108 bhp का पावर एंड 260 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे फ्रॉक्स में आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 88 bhp का पावर एंड 113 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से 99 bhp का पावर एंड 148 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो इंजन पावर में नेक्सॉन के दोनों इंजन ज्यादा पावरफुल है मारुति सुजुकी फ्रॉक्स के इंजन से, बट रिफाइनमेंट में मारुति सुजुकी के दोनों इंजन ज्यादा रिफाइंड है नेक्सॉन के इंजन से, बट पावर एंड टॉर्क वाइज नेक्सॉन के दोनों इंजन बेटर है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार्स के डिजाइन टोटली डिफरेंट है, बट हाँ, दोनों की साइड डिजाइन थोड़ी सिमिलर है, बिकॉज दोनों कार्स को रियर से कूपे स्टाइल की डिजाइन दी गई है। बट हाँ, उसके सिवा दोनों कार्स के डिजाइन टोटली डिफरेंट है, एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED DRL, 16 इंच एलॉय व्हील्स, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, शार्प फिन एंटीना, LED टेल लाइट एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट मारुति सुजुकी फ्रॉक्स में आपको हेडलाइट्स भी LED में मिलती है, जहाँ पे टाटा नेक्सॉन में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई है, बट टाटा नेक्सॉन में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है, जो आपको मारुति सुजुकी फ्रॉक्स में नहीं मिलता। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में कोई और मेजर फीचर का डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग मार्केट कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फ्रंट आर्म रेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट विद आर्म रेस्ट, रियर AC वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल एंड ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट नेक्सॉन में आपको वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट सीट्स एंड एयर प्योरीफायर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो आपको मारुति सुजुकी फ्रॉक्स में नहीं मिलता। एंड नेक्सॉन में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है, जहां पे फ्रॉक्स में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है। एंड नेक्सॉन में आपको रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है, जहां पे फ्रॉक्स में 360 कैमरा आपको मिलता है। एंड नेक्सॉन में 7 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जहां पे फ्रॉक्स में 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। बट हाँ, जैसे ऑटो एक्सपो में हेडर, सफारी एंड अल्ट्रोज रेसर में न्यू 10 इंच की स्क्रीन बताई गई है, वो टच स्क्रीन जल्दी नेक्सॉन में भी अपडेट होने वाली है। बट जिस टाइम पे ये वीडियो बनाया गया है, उस टाइम पे नेक्सॉन में 7 इंच की स्क्रीन ही मिलती है। एंड मारुति सुजुकी फ्रॉक्स में आपको हेडसअप डिस्प्ले एंड USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता। सो कुछ फीचर्स नेक्सॉन में है, जहां पे कुछ फीचर्स फ्रॉक्स में। सो ये आप पे डिपेंड है कि आपके लिए वेंटिलेटेड सीट्स एंड लेदरेट सीट्स इंपॉर्टेंट है, या फिर 360 कैमरा एंड बड़ी टच स्क्रीन। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप में 5 out of 5 स्टार्स मिले हैं, जहां पे मारुति सुजुकी फ्रॉक्स का क्रैश टेस्ट तो अब तक नहीं हुआ, बट फ्रॉक्स बलेनो वाले हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है, जो उतना सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है। सो प्लेटफॉर्म एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज नेक्सॉन प्योरली बेटर है फ्रॉक्स से। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो फ्रॉक्स में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहां पे नेक्सॉन में ड्यूल एयरबैग्स दिए गए हैं। बट दोनों कार्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS, EPD एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर मारुति सुजुकी फ्रॉक्स। अगर बात हो सेफ्टी की, बिल्ड क्वालिटी की, पावर की एंड स्पेस की, इन सभी में टाटा नेक्सॉन बेटर है मारुति सुजुकी फ्रॉक्स से।
तो ज्यादातर लोगों के लिए इन दोनों कार्स में से नेक्सन ही बेटर रहेगी। बट अगर आपके लिए ज्यादा माइनस इन 360 कैमरा जैसे फीचर्स इंपॉर्टेंट है तो आप मारुति सुजुकी फ्रॉक्स पे जा सकते हो। बट इन दोनों कार्स में से हमारा सजेशन तो टाटा नेक्सन ही रहेगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन मारुति सुजुकी फ्रॉक्स एंड टाटा नेक्सन के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे, टाटा नेक्सन या फिर मारुति सुजुकी फ्रॉक्स? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।